ये सब वो बूढ़ा आदमी सहन नहीं कर पाया और उसका चेहरा उतर गया। बूढ़े कारीगर का नाम हरमन है और वो इतने दिनों से आदित्य के लिए काम करता है, इसलिए उसकी बेइज्जती होते देख उसके शिष्यों में से एक आगे आकर आदित्य से बोला, इसमें गुरु जी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, आप इस तरह से उन्हें सबके सामने बेइज्जत नहीं कर सकते। आदित्य को ऐसा लगा कि उसके लिए काम करने वाले लोगों में से कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन इसके बाद भी एक कारीगर ने अपने बूढ़े गुरु का साथ देते हुए आदित्य के खिलाफ बोला, इसलिए आदित्य का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और अब उसने वहां मौजूद इतने सारे लोगों के बारे में भी कुछ नहीं सोचा और एक हाथ उठाकर उस पुराने मास्टर कारीगर हरमन की तरफ बढ़ा। आदित्य हरमन को थप्पड़ मारने ही वाला है, तभी वहां पर खड़ा मिहिर, जो इतनी देर से यह सब कुछ देख और सुन रहा था, लेकिन उसने इतनी देर से इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि ये उनकी कंपनी का अपना पर्सनल मामला है, लेकिन अब आदित्य इस तरह बूढ़े कारीगर को मारने पर उतारू हो गया, इसलिए मिहिर ने बीच में आते हुए आदित्य की कलाई एकदम कसकर पकड़ ली और गुस्से से घूरते हुए आदित्य को लगभग खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। आदित्य को भी इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मिहिर इस तरह उसके और हरमन के बीच आ जाएगा, लेकिन अभी मिहिर आदित्य के सामने है और उसने आदित्य की कलाई इतनी कसकर पकड़ी हुई है कि आदित्य पूरी कोशिश करने के बाद भी उसे छुड़ा नहीं पा रहा। मिहिर ने उसी तरह कसकर आदित्य की कलाई पकड़े हुए उससे कहा, हाउ डेयर यू आदित्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना तो मुझे पता है कि तुम एक नंबर के नालायक और बदतमीज इंसान हो, लेकिन अपने से इतने बड़ी उम्र के इंसान पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आदित्य अपने दांत पीसते हुए बोला, मेरा हाथ छोड़ो मिहिर। साथ ही उसकी कलाई में दर्द भी हो रहा है और मिहिर ने गुस्से में थोड़ी और ताकत लगाई, इससे आदित्य की कलाई लगभग उखड़ चुकी है और उसका दर्द बढ़ गया है। दर्द से बिलखता हुआ आदित्य चिल्लाया, मेरा हाथ मिहिर, यू बास्टर्ड, ये क्या किया तूने? मिहिर ने लापरवाही से दूसरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा हाथ तोड़ दिया, मेरा मतलब छोड़ दिया। इतना बोलकर मिहिर ने अपना हाथ झाड़ते हुए आदित्य की तरफ देखकर उसे एक आंख मारी और उस बूढ़े कारीगर की तरफ बढ़ गया। आदित्य ने मिहिर की तरफ गुस्से में देखा और उसका मन कर रहा है कि अभी के अभी मिहिर का मर्डर कर दे, लेकिन अभी वो खुद इतने ज्यादा दर्द में है कि पहले उसे अपने हाथ के बारे में सोचना है। मिहिर ने भी आदित्य की तरफ देखकर अपने मन में सोचा, ये सिंह कॉरपोरेशन के मालिक का बेटा आदित्य अगर ऐसा है तो उनके पिता भी कोई ज्यादा अच्छे इंसान नहीं होंगे, इसलिए मैं जब भी पावर में आऊंगा तो मैं सबसे पहले सिंह कॉरपोरेशन को ही ठिकाने लगा दूंगा और इन्हें अपने रास्ते से हटाना मेरे लिए सबसे जरूरी काम होगा। आदित्य अभी भी वहां पर खड़ा गुस्से में मिहिर को घूर कर देख रहा है और मिहिर ने जब ये नोटिस किया तो उसने आदित्य की तरफ देखकर कहा, क्या कुछ और भी चाहिए तुम्हें? मिहिर की ऐसी बात सुनकर आदित्य का तो गला सूख गया और उसने एक भी मिनट वहां रुकने की हिम्मत नहीं की और वो जल्दी से अपना हाथ पकड़कर वहां से भाग गया। वो बूढ़ा कारीगर हरमन अभी तक इस सदमे से उभर नहीं पाया है और ये देखकर कि धरा कंपनी के मालिक मिहिर ने उनकी मदद की, वो थोड़ा इमोशनल हो गया और उसके चेहरे पर आंसू आ गए। उसने कहा, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद बेटा। मिहिर ने आगे बढ़कर उनका हालचाल पूछते हुए कहा, आप ठीक तो है ना अंकल? मिहिर के पूछने पर बूढ़ा उसे बताते हुए बोला, हाँ मैं बस ठीक होने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि जिस सिंह कॉरपोरेशन के लिए मैंने 10 सालों तक इतनी कड़ी मेहनत और लगन से काम किया, उनके साथ मेरे प्रोफेशनल रिलेशन कुछ इस तरह से खत्म होंगे। ऐसे पब्लिकली सबके बीच छोटे मालिक ने मेरी बेइज्जती की और वो तो मुझ पर हाथ भी। मिहिर को समझ नहीं आया कि वो कैसे उन्हें तसल्ली दे, तभी उनके कुछ शिष्य आगे आकर उनका कंधा और हाथ पकड़ते हुए बोले, हरमन सर, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर इतना टैलेंट है और आप अपने टैलेंट के बल पर कहीं भी काम कर सकते हैं, वो भी अच्छी तरह, इसलिए आपको इतनी बेइज्जती के बाद सिंह कॉरपोरेशन में रहने की कोई जरूरत नहीं है। हरमन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने सिंह कॉरपोरेशन में 10 साल से ज्यादा काम किया है और इतनी छोटी सी बात के लिए मैं उनसे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें से किसी ने मुझे काम से नहीं निकाला है, क्योंकि अगर मैं काम छोड़ दूंगा तो वो कहेंगे मैंने सच में कंपटीशन के लिए ज्यादा मेहनत नहीं की। मिहिर ने उन सब के बीच कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि ये पूरी तरह से उनका फैसला होना चाहिए कि वो अभी भी उसी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं या नहीं।
हरमन इस बारे में सोचते हुए सभी के साथ बातचीत कर रहा है, तभी उसका मोबाइल फोन रिंग होता है। हरमन ने अपने मोबाइल फोन स्क्रीन की तरफ देखते हुए खुशी से अपने आंसू पोंछकर कहा, बड़े मालिक मिस्टर सिंह का फोन है। उन्होंने जरूर अपने बेटे की इस गलती के लिए माफी मांगने के लिए फोन किया होगा। इतना बोलते हुए हरमन ने कॉल रिसीव किया और बोला, बड़े मालिक, आपको पर्सनली माफी मांगने के लिए फोन कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है इतनी छोटी सी बात के लिए। और वो छोटे मालिक, अभी उनकी उम्र कम है इसलिए वो शायद जल्दी नाराज हो जाते हैं। आप परेशान मत हो, मैंने उनकी बातों को दिल पर। इससे पहले कि हरमन अपनी बात खत्म कर पाता, दूसरी तरफ से एक सख्त आवाज आई, हेलो, ज्यादा सुनहरे सपने ना देखो हरमन। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के कारीगर से माफी मांगने के लिए फोन करूंगा? इतनी गलत फहमी पालना अच्छी बात नहीं होती। मैंने तो तुमसे यह पूछने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का हाथ तोड़ने के लिए दूसरे आदमी को भेजने की। अब तुम्हारे हमारी कंपनी के साथ कोई संबंध नहीं है, तुम्हें मैंने काम से निकाल दिया है। अपने मालिक के वो सारे शब्द सुनकर हरमन पहले तो हैरान रह गया, लेकिन फिर उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक बार मेरी बात तो। हरमन आदित्य के पिता को पूरी बात समझाना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही दूसरी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। लेकिन हरमन को अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा कि उसके मालिक ने उसे फोन करके ये सारी बातें बोली। लेकिन मिहिर समझ गया कि ये दोनों ही बाप बेटे ऐसे हैं, अपने लिए काम करने वाले किसी भी कारीगर और उसके हुनर की बिल्कुल भी कदर नहीं। हरमन ने इतने सालों तक उनके लिए काम किया और उसके टैलेंट की वजह से ही उन लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन अब जरा सी बात पर किसी पुराने सामान की तरह उन्होंने उसे निकाल दिया। हरमन ने एकदम निराश होते हुए भरी हुई आंखों के साथ कहा, बड़े मालिक, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? एक बार भी उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा। मैंने हमेशा इतनी ईमानदारी और मेहनत के साथ उनके लिए काम किया। अपने मास्टर को इस तरह निराश देखकर उनके पूरे काम करने वाले स्टूडेंट्स के ग्रुप में भी उनके लिए बुरा महसूस कर रहे हैं। तभी उनमें से एक कारीगर आगे आते हुए बोला, मास्टर, आप उदास मत हो, हम सब आपके साथ हैं। एक दूसरे वर्कर ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, हम सब भी अब सिंह कॉरपोरेशन पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब उन्होंने मास्टर जैसे नामी और टैलेंटेड आदमी को एकदम ही काम से निकाल दिया, तो फिर हमारा भी उनके साथ कोई भविष्य नहीं है। उस आदमी की बात पर सब सहमत हैं और इसलिए उन सब ने डिसाइड किया कि वो अपने गुरुजी के साथ हैं और अब वो जहां भी काम करेंगे वो उनका साथ देंगे। एक दूसरे कम उम्र के कारीगर ने कहा, हाँ बड़े भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसे लोगों पर भरोसा करके हम अपनी लाइफ वहां बर्बाद नहीं करेंगे, इसलिए अगर गुरुजी को काम से निकाला जाता है तो हम भी वहां से काम छोड़ देंगे। मिहिर अभी भी वहां पर खड़ा है और उन सब की बातें सुन रहा है। तभी एक कारीगर ने आगे आकर मिहिर से कहा, मिहिर सर, आप भी तो ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, तो अगर हम सब आपकी कंपनी में काम करना चाहें तो इस बारे में आपका क्या कहना है? उस आदमी ने अपनी तरफ के सारे लोगों के बारे में मिहिर से बात की तो उसकी ये बात सुनकर मिहिर की आंखें खुशी से चमक गईं और वो बहुत खुश हो गया है, क्योंकि पिछले 3 दिनों वाले ट्रेडिशनल फेस्टिवल में उसने उन सब का काम देखा है और वो उन सब से बहुत इंप्रेस्ड है। भले ही वो लोग सेकेंड आए, लेकिन फिर भी काम करने वाले सारे लोगों को 20,000 इनाम मिले और उनका काम भी बहुत अच्छा है। उन सब ने अपना बेस्ट दिया और फेस्टिवल को सेकंड नंबर की पोजीशन पर खत्म किया। मिहिर इन सब की तरफ देखते हुए सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रहा है। तभी हरमन ने मिहिर की नजरों को समझने की कोशिश करते हुए कहा, कोई बात नहीं सर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी हम इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोगों को एक साथ काम देना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, और हम आप पर ज्यादा भार भी नहीं डालना चाहते हैं। वैसे भी आपने सामने आकर मुझे बचाया और मेरी मदद की, उसके लिए थैंक यू सो मच। हरमन की बात सुनकर मिहिर जल्दी से बोला, अरे नहीं नहीं हरमन सर, आप मुझे गलत मत समझना, ऐसा नहीं है कि मैं आप सबको अपनी कंपनी में काम नहीं देना चाहता, लेकिन। मिहिर इतना बोलकर रुक जाता है, लेकिन बाकी सब आगे के जवाब के इंतजार में उसकी तरफ ही देख रहे हैं, और फिर एक गहरी सांस लेकर मिहिर आगे बोलना शुरू करता है। लेकिन बात यह है कि हमारी धरा एम्ब्रॉयडरी में कभी किसी ने पत्थर वाली नकाशी नहीं की, इसलिए हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर मैंने बिना किसी सॉलिड प्लान के आप सबको काम दे दिया तो आपके फ्यूचर पर भी इसका असर पड़ सकता है।
मिहिर की बात सुनकर हरमन ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा कि मिहिर उनके बारे में इतना सोच रहा है। इसलिए उन्होंने कहा, मिहिर सर, आप नहीं जानते, हमारी पत्थर की नक्काशी बिजनेस में हम भी असली मालिक की तलाश कर रहे हैं, और आपके रूप में अगर हमें एक अच्छी जगह मिले तो हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। बाकी इंडस्ट्री के बारे में हमें सब कुछ पता है। मिहिर को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि एग्जीबिशन के लास्ट डे पर उसे इतना बड़ा गिफ्ट मिल जाएगा, इसलिए उसने तुरंत मास्टर हरमन का हाथ पकड़ लिया और बोला, ओके, धरा एम्ब्रॉयडरी में आप सबका वेलकम है, और आज से आप सब हमारे लिए काम करेंगे, और मैं आप सबको 30% सैलरी भी दूंगा। जैसे ही सबने मिहिर की ये बात सुनी, वो सब खुशी से पागल हो गए। आज का दिन किसी रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा। अभी कुछ समय पहले वो सब अपनी नौकरी जाने को लेकर परेशान हुए, लेकिन अब उन्हें दूसरी नौकरी मिल गई और उनकी सैलरी भी 30% बढ़ गई। एक कारीगर ने खुश होकर कहा, मिहिर सर सच में बहुत अच्छे हैं, और हम उनके लिए बहुत मेहनत और लगन से काम करेंगे। हरमन ने भी मिहिर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, शुक्रिया मिहिर सर, आपने हम सबको काम पर रखकर हमारी परेशानी दूर कर दी, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। मिहिर को भी उन सब की बातों पर भरोसा है, और मिहिर ने मुस्कुराकर उन सब का अभिवादन किया, और फिर आपस में नंबर एक्सचेंज करके वो सब वहां से चले गए, और मिहिर ने सबसे अगले दिन ओल्ड सिटी में आकर मिलने के लिए बोला। तो क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।